गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम GCL कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान लॉकडाउन के समय में टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही, उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि पिछले 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च अप्रैल मई जून, अभी जुलाई अगस्त तक सब कुछ बंद रहेगा, सितंबर में क्लासेस लगेंगी तो अक्टूबर में सैलरी मिलेगी, ये 8 महीने टीचर क्या करे, ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरी जो समस्या है टीचर्स की वो है कि टीचर्स कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक फिक्स जॉब थी जो टीचिंग थी, और टीचिंग कोई अपना एक वन ऑफ द नोबलेस्ट जॉब होता है हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड का, वन ऑफ द नोबलेस्ट जॉब इज कॉल्ड टीचिंग। तो उस जॉब के अलावा जब आदमी को दिमाग डाइवर्ट होता है दूसरी जगह जाने पे तो दिमाग उसका टीचर्स का पूरा मन नहीं रहता उस काम को करने के लिए। अब टीचर्स क्या क्या करें हम उन पर डिस्कशन करते हैं। पहली चीज़ तो आप अपने घर में अगल बगल के 4-5 बच्चों को बुला करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास लीजिए, आपकी क्लास होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर आप क्लास लेंगे तो आपके पास कोई केस नहीं होगा, आप सैनिटाइजर का प्रयोग कराइए, 5-6 बच्चों को बुलाइए, सुबह 5 को, 5 दोपहर, 5 शाम, ठीक है, 15 बच्चे हो गए, 5 रुपये फीस रखिए, 7,500-8,000 रुपये आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल आराम से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाने में महीने में 6,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वो आप सब भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, इसलिए 6 अब बचेगा 1,500-2,000 रुपये, वो आपको हर महीने आप बचाते जाइए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आप अपना और बच्चे का दोनों का इंश्योरेंस करा लीजिए। आप देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस आपका 350 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जा रहा है, मंथली प्लान मिल जाता है जिसमें आपको 3,00,000-4,00,000-5,00,000 बीमा का कवरेज मिल जाता है और ये एक्सीडेंटल बीमा मिल जाता है आपको। तो दूसरी चीज़ तो इंश्योरेंस पहले आप लोग करा लीजिए। इंश्योरेंस से क्या होगा कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कंपनी आपको पैसा देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा आदमी का जो खर्चा होता है पैसा वो बीमारी में ही खर्चा होता है। तो कम से कम हर महीने 500 रुपये के इंश्योरेंस से आपका आपके परिवार का अगर पैसा बच रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़, SBI हेल्थ प्लान एक इंश्योर करती है 1,300 रुपये का, उस प्लान को लेकर के आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। चौथी चीज़ जो टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो घर पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं एक लगातार पति पत्नी में विवाद की समस्या बढ़ रही है। विवाद की समस्या को कम करने के लिए आप ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम बनाएं। ऑनलाइन या ऑफलाइन या लाइव, तीनों में देख लें कि तीनों में कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर है। आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप अपने वीडियोस अपलोड करके और आप डालते रहिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सब जगह पे, आपके पास ढेर सारे सोशल वेबसाइट्स हैं उन पे आप डाल करके इनके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन वीडियोज़ में आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो पढ़ाने का तरीका उसको बेहतरीन तरीके से आप अपने वीडियोज़ में बनाइए, उन बच्चों को दीजिए। पाँचवीं चीज़, लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम आई टीचर्स के साथ में कि कैसे पढ़ाएं बच्चों को, इसके लिए आप लगातार पेरेंट्स को अपने साथ जोड़ते जाइए फेसबुक पे। जब वो पेरेंट्स की संख्या काफ़ी हो जाए उनको आप बताइए किस क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, उन क्लास के बच्चों का ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप को बनाने के बाद फिर आप पेरेंट्स से आप संपर्क करिए फ़ोन के माध्यम से कि सर हम इस तारीख से इस सब्जेक्ट पे, जैसे आप हिंदी पढ़ाते हैं, SSC पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो आप पेरेंट्स को बताओ और बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन लो और बच्चे को आप पढ़ाओ। पांचवी चीज़ कि जो फी रखो मिनिमम, एकदम मिनिमम फीस आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेरेंट्स आपसे जुड़ेंगे और पेरेंट्स लगातार आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो
आप समझ गए कि लॉकडाउन में टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पहली चीज़ सैलरी की, दूसरी चीज़ जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो कम होता जा रहा है, तीसरी चीज़ कि ऑनलाइन टीचिंग के उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस पर डिस्कस करना है, चौथी चीज़ फीस कम लेना है, और पांचवी चीज़ अपना इंश्योरेंस करवा लेना है। अपना इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे का भी कराइए, क्योंकि जो एक समस्या होगी खाना पीना तो हो जाएगा, लेकिन जब कोई बीमारी होगी, बड़ी बीमारी होगी, उसमें आपके पास पैसा नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।